हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि एक हम लोग जो एक नया साइट पे आ गए हैं और ये नया साइट बिल्कुल और सब साइट से बिल्कुल अलग है। तो मैं आप दिखाऊंगा कि आप सामने जितने भी इक्विपमेंट्स है, यानी कि मटेरियल है या फिर जितने हाईवेज है, व्हीकल्स है, वो सारे के सारे जो हम लोग का जो रोड प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है। और आपको सामने ग्रेडर दिखा देंगे, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हाईवे प्रोजेक्ट में एंड किसी भी रोड प्रोजेक्ट में। एंड उसके बाद जो है हम लोग का पेवर का यूज़ होता है, क्योंकि विदाउट पेवर हम लोग का जो है लेंग आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग अब साइड में आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेडर का मुख्य रोल क्या है। ये ग्रेडिंग के थ्रू स्प्रेड कर रहे हैं मटेरियल को। और यहाँ पे आप सामने भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रेडर से ही हम लोग को अच्छी तरह से इसको मटेरियल को है स्प्रेड करके इसको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं और एक लेवल के अनुसार उसमें जो है ग्रेडिंग किया जाता है। और ग्रेडर का, विदाउट ग्रेडर हम लोग को जो है रोड बनाना हमको लगता है यहाँ का कि बहुत ही कठिन बन तो सकता है, लेकिन कठिन हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जो है दिखा रहे हैं कि जो एक्सकेवेशन हो रहा है, क्योंकि ये सबग्रेड टॉप लेवल से 0.5 सेंटी का जो है 0.5 मीटर यह है हाइट पे था, इसलिए हम लोग इसको कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और कटिंग करने के बाद इस मटेरियल को हम लोग दूसरी जगह भेज रहे हैं, और जिसमें अभी जब हम लोग ग्रेडिंग किए उसके बाद इसमें क्या है रोलिंग प्रोसेस को अप्लाई किए हैं। और रोलिंग प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इसमें कंपैक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंपैक्शन नहीं हुआ तो रोड जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप सामने, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे साइड पे कुछ यहाँ पे कंपैक्शन चेक करने के लिए बाहर से, मतलब साइड से आए हुए हैं यहाँ पे। उसके लिए मटेरियल को कुछ सैंपल ये लोग ले रहे हैं, और लेने के बाद इसको जो है कुछ प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये इसको ले करके ये लोग लैब जाएंगे। आप दोस्तों वीडियो में कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।